तो दोस्तों बारिश हो रही है और रात की 11:20 हो रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा होकर छत में आप लोगों के लिए टाइम लैप्स ले रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और टाइम लैप्स को शेयर करिए। मतलब तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त थंडर स्टॉर्म आ रखा है और जैसा कि मैंने अभी दिखाया और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, यह आसमान बहुत चमक रहा है, थॉर देवता गरज रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। ओ भाई साहब थोड़ा सा और दिखाइए, ओ थोड़ा और दिखाइए थॉर प्लीज़, ओ ये वाह बर्फ़ गिर रही है भाई, दिल्ली में बर्फ़ गिर रही है भाई, ये देखो बर्फ़ की दुकान आ चुकी है दोस्तों। ओ माय गॉड दोस्तों, ये देखिए दिल्ली में स्नो फॉल, ये सारी बर्फ 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 पे बर्फ बर्फ, वो लाइट चली गई दोस्तों, अब नेचर का लाइट शो लेते हैं हम। तो कुछ ऐसा हाल है दिल्ली का, आतंक मचा हुआ है बर्फबारी का। तो कुछ इस तरीके का स्नो फॉल हो रहा है दिल्ली में। जस्ट मैं बाहर ऊपर से टाइम लैप्स ले रहा था ना बारिश में, बस वो बारिश ओले बन गई और मतलब स्नो फॉल हो गई, अब सीधा स्नो ही गिरने लग गई अब सीधा दिल्ली में। भाई दिल्ली में स्नो फॉल व्हाइट हो गया, पहली बार रास्ता व्हाइट हो गया भैया, मजा ही आ गया मम्मी। सुप्रभात दोस्तों, आज हम फिर जा रहे हैं कल के शूट की प्रेप के लिए। तो लोकेशन में थोड़ा लाइटिंग का टेस्ट करके आते हैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं है उस लोकेशन का, लोकेशन को सोलह से एड भी करना है। तो ये मेनली प्रोडक्शन का काम है बट मेरे को करना पड़ रहा है थोड़ा सा। चलो ये है प्रोड्यूसर। अच्छा जैसे आज पता चला है। अच्छा ठीक है, तुम भी तो साथ में हो ही, मतलब कैमरामैन। चल ठीक यार, डीओपी को कैमरामैन बना दिया, कैसे लोग हैं यार। कपड़े का साउंड। तो दोस्तों यहाँ पर साउंड रिकॉर्डिंग चल रही है, तो जो फ्रिज में उनका हाथ फंस गया था उस मूवी में एक सीन था ना, वो सीन जो है वो मैं अपने हाथों को कुर्बान करके, उनके हाथ तो सच्ची में दबा नहीं सकता, मैं बोल भी नहीं सकता दबाओ दबाओ, लेकिन आवाज आनी चाहिए फ्रिज की, तो अब मैं कुर्बान कर रहा हूँ अपना हाथ। चलो फर्स्ट स्टेट, ओ बस बस मेहनत करना पड़ता है, देखो ये नकली नहीं था, इतना आसान नहीं है, मैं नकली थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं ऑडियंस को कह रहा हूँ कितना मेहनत करना पड़ता है, सीनी मूवी बन जाता है छोटा हो या बड़ा। एक मिनट देखो ये मेरा हाथ भाई, बस बस देखो, कोई ले जाने को तैयार नहीं है, बाकी सब तो खाली करवा लिया। दोस्तों अभी हमने एक रील डाली थी, मैंने एक रील डाली थी एडिट की अपने अकाउंट में इंस्टा के, और मैंने खाने की एडिट की रील डाली थी मम्मी के अकाउंट में जो कि मम्मी का फोन है, बट मतलब सिर्फ 15 मिनट में ये तो रिकॉर्ड बन गया, 10K व्यूज, इतने व्यूज तो आप लोग भी नहीं देते हो गाइस हमको। गजब बेइज्जती है, आप लोग तो बोले ही मत, कुछ भी नहीं देते, हम तो ऐसे ही करे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। हमारे रीशूट के तैयारी हो गए, ये हमारे हीरो नंबर 1।
और फिर कुछ चीजों के लिए हमें इंतजार करना पड़ रहे हैं, तो हम सब रेडी करके बैठे हैं, अभी शुरू होगा। ये हमारे दूसरा हीरो है, मम्मी के साथ बातें कर रहे हैं। हमको और एक घंटे पहले शूट शुरू करना था, बट अब एक घंटा और हो चुका है और हमने अभी तक शूट भी नहीं शुरू किया। हम सिर्फ बैठे हुए हैं यहाँ पर, और वो बात ही नहीं कर रहा, उसको मन नहीं है। नकुल सुन ले क्या करना है। ओके ठीक है, ये बच्चे हैं। ओके तो फिर ले चलो जहाँ ले चलना है। अरे नहीं देखो यार, बहुत मारेंगे। अरे तो सारी फील खराब कर रहा है, उधर देख। अरे तो सारी फील खराब कर रहा है, उधर देख। रीशूट तो शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे इतना आवाज हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। रुक के चल रहा है, अब क्या करें। जैसे मारने जा रहा है, ठीक है ओके। अब ये पकड़ो, तो भागोगे तो ये हाथ ना रहेगा। बैट से मारना होगा, अभी देखो ऊपर नीचे करना पहले सर। येलो ठीक है, ऐसे किया, येलो उसके बाद हेलमेट निकालना, ये भी लो करके ऐसे मारना, आराम से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पहले इसको पहनो आराम से, पहले उसको ऊपर देखो, हाँ टोपी लेनी नीचे ना बोलो। चलो अब लंच कराते हैं, हाँ अभी लंच कराते हैं सबको, सब थक गए। और पनीर अच्छा है योगी, तुम्हारा बिरयानी ठीक है। और आज हमारा शूट खत्म हो गया है ना। आदित्य कह रहा मुझे एक और पिक्चर बनानी है गर्मी की छुट्टियों में। हाँ। बनाना बनाइयो, आराम से बनाइयो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसमें वो खुद भी एक्टिंग करेगा बोल रहा है वो। हाँ। के साथ चलो। हेलो गाइस, ये हमारी शूटिंग। अरे ये सब नहीं बोल रहा, हग दिया, फाइनल पैकअप हो गया, पैकअप। बहुत संघर्ष के बाद चौथा दिन है शूट का, एक्सटेंडेड दो आज जाके खत्म हुआ है। चलो ठीक है, मेरी तो हालत भी थक गई गाइस। बाय बाय गाइस। कुछ और कुछ नहीं, और कुछ कहना तो कह लो। मुझे कुछ नहीं कहना, आपको कहना तो कह लो। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहना।